ये देखिए, ये इनहेलर होते हैं ना, इनहेलर को मैं यूज कर रहा हूँ, तो बाकी तो आप जानते हैं इसका क्या यूज होता है। खैर इसको रख देते साइड में। और क्या हो गया? अच्छा हाँ, लाइफ में यही तो प्रॉब्लम होती, कहीं इधर का मोबाइल, कहीं इधर का मोबाइल इधर जा रहा है। तो हाँ अब ठीक है, ओके, अब ठीक है ना? हाँ ठीक है, हाँ जी। चलिए एक कमेंट और ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मेन खबर पर चलते, क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। शुभम कुमार, क्या यूपी में मानदेय बढ़ने का चांस है कुछ? देखिए, मानदेय बढ़ने का चांस अभी तो कोई बैठक में ऐलान नहीं हुआ है। हाँ, भविष्य में बढ़ने की चांस डेफिनेटली है। पहले तो खबर पर लौटेंगे, उस खबर पर प्रमोशन से जुड़ा हुआ एक पत्र जारी हुआ है सरकार की ओर से। देखिए मैं आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश में सरकार प्रमोशन करने जा रही है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। और इस संबंध में लेटर जारी किया गया है, और ये लेटर आपको बता दें 12 तारीख को जारी हुआ है, और निदेशक डायरेक्टर जो है इनके ओर से लेटर जारी कर दिया गया है। यानी कि जो प्रमोशन की उत्तर प्रदेश में कार्रवाई रुकी थी, वो बहुत ही तेज़ी से, बहुत तेज़ी का मतलब तेज़ी से ही अब होने वाली है, ठीक है। अब पत्र में जो लिखा है, लेटर में जो लिखा है, उस लेटर को समझते हैं क्या लिखा है इसमें। पहले मैं आपको बता दूं, ये लेटर जो है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के लिए, अभी आप मत पूछना सर एक मेरे जनपद के लिए, मेरे जनपद के लिए, यहाँ के लिए, वहाँ के लिए, सभी जनपद के लिए, क्योंकि इसमें जो नाम जनपदों के डले हुए हैं वो सभी जनपदों के लिए, अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो सभी का मतलब सभी। और देखिए इसमें क्या बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मुख्य सेविका पर जो है चयन हेतु कार्यकर्ताओं की सूची सत्यापन के संबंध में जो है ये जानकारी मांगी गई है। यानी कि एक काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, और उसमें कुछ नियम कायदे। अब आप सोचें कि हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, उसमें भी मैं नियम कायदे आपको बताने वाला हूँ। इसको मैं शॉर्ट्स न्यूज़ में भी शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप लोग बाद में भी देख सकें जो नहीं जुड़े हैं मित्र। देखिए आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रमोशन उत्तर प्रदेश में तेज़ी से अब होने वाला है, इसको लेकर एक लेटर जारी कर दिया गया है। लेटर में देखिए क्या लिखा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मुख्य सेविका पद पर जो है चयन हेतु जनपद में कार्यरत ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ते जिनकी सेवा अवधि 1/7/2017 1 जुलाई 2017 को 10 वर्ष पूरी हो चुकी और आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं है। ये नियम है, और ये नियम मैं कई बार बता चुका हूँ, समझ लीजिए। अगर इन नियम का पालन कर रहे हैं आप, तब का विवरण डेटा निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय मंगवाया गया था, ये डेटा आपका जा चुका है। अभी बहुत सारे मित्र कहेंगे सर अब डेटा जाएगा, नहीं जाएगा, ये डेटा आपका पहले ही जा चुका है, और मालूम होगा जिनका चला गया होगा। तो पहले डेटा जो मंगाया गया था, वो जिसके आधार पर मास्टर डेटा तैयार किया गया है, तो मास्टर डेटा तो कंप्लीट हो गया है। लखनऊ स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से मुख्य सेविका पद पर प्रतिचयन किए जाने की कार्रवाई जो है प्रस्तावित है। खैर ये बात निकल कर आई, जनपद में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की पीडीएफ सूची आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सूची में अंकित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का विवरण उनके अभिलेखों से मिलान करके सूची के प्रत्येक पृष्ठ को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी से सत्यापित हस्ताक्षर मोहर सहित कराकर संदर्भित सूची में स्वयं जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी हस्ताक्षर करके पीडीएफ सूची जो है 22 नवंबर 2021 तक प्रत्येक दशा में विभागीय कार्यालय की ईमेल आईडी पर सिग्नेचर करके जो है आपको बता दें हार्ड कॉपी विशेष पत्रवाहक के माध्यम से यानी डाकिया के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराएं। और यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है, यदि सूची में अंकित कार्यकर्त्री के विवरण में संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधन भी किया जाए। यानी कि ये सूची एक तरफ से जो है तैयार की गई है, लखनऊ से जनपद में भेजी गई है। क्यों भेजी गई, फिर से वेरीफाई करने के लिए, कोई अगर दिक्कत आ रही है, कुछ आप करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये लेटर में साफ लिखा है, कम्युनिटी में आपको लेटर मिल जाएगा, ठीक है, या फिर फेसबुक पे पेज पर भी ओपन होंगे आप लोग, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर, तो वहाँ तो लेटर आ ही चुका है, तो वहाँ पर भी आप लोग देख लेंगे। फेसबुक पेज का नाम है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर, ठीक है, तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा, लाइक और फॉलो कर लीजिए उसको भी। तो ये जो है आपको बता दें लेटर आया है, अब प्रमोशन की कार्रवाई तेज़ी से हो रही, तेज़ी का मतलब तेज़ी से, मतलब बहुत तेज़ी से हो रही है प्रमोशन कार्रवाई, ठीक है। और नियम क्या है, कायदे क्या है, वो मैं सबसे पहले आपको बता चुका हूँ। 10 साल आयु पूरी होना चाहिए, 50 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि इसको लेकर संगठन जो है, विभिन्न संगठन जो काफ़ी विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से जो है जो 50 साल की आयु सीमा रखी गई उसको हटाया जाए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, सरकार ने 50 साल की आयु सीमा नहीं हटाई है। अब आप सोचेंगे सिर्फ दो ही कंडीशन नहीं, सिर्फ दो ही कंडीशन नहीं है, इसमें आपका ग्रेजुएशन, आपकी एजुकेशन भी देखी जाएगी, क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, वो सब देखी जाएगी, उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और उस हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। क्योंकि ऐसे अगर प्रमोशन करने लगे तो ऐसे तो बहुत सारे प्रमोशन हो जाएंगे, समझिए बात को, तो ऐसे में प्रमोशन नहीं होगा, आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उस मेरिट लिस्ट के आधार पर जो सबसे हाई होगा, जो नियम होंगे, नियम तो मैंने आपको आधे बता दिए, आधे नियम उनके और होंगे, वो नियम दोनों मिलाकर जो है आपको बता दे, तब जो मेरिट लिस्ट होगी तब प्रमोशन होगा। और बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों को जो है इस मामले पर खुशखबरी भी मिलने वाली है। खैर
बड़ी खबर थी।